हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हुए अच्छे ही होंगे। आज हमारा गांव से घर वापसी है और काफ़ी फंक्शन में बिज़ी रहे और काफ़ी गर्मी थी। बहुत मुश्किल से फंक्शन अटेंड हुआ और कफ वगैरह भी हो गया है, कभी सर्दी कभी गर्मी की वजह से। तो अब हमारी तैयारी हो गई है वापस दिल्ली जाने की। तो जल्दी कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। हम पहुंच गए हैं मोतीपुर रेलवे स्टेशन और यहाँ आके हमें पता चला है कि गाड़ी अभी 2 घंटे लेट है। प्लेस ट्रैक पे कोई इलेक्ट्रिक की वायर गिर गई है तो काफ़ी गर्मी हो रही है। अब देखते हैं ये 2 घंटा कैसे पास होगा। और आज गर्मी भी पूरी इस पे है, सवाब पे है और देखते हैं। अब तो कुछ हो नहीं सकता है, वेट तो करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं और प्लेटफार्म पे वेट करते हैं। का तो ले लें। नमस्कार जी, आप अपडेट पे ठीक है? वही टाइम है ना, है ना? चलिए हम लोग आ गए। हाँ, खाना उना खा के फिर फ्रेश होकर फिर आराम से दोस्त से भी पूछते हैं कहाँ है। ऐसा प्लेटफार्म खाली, एकदम पूरा प्लेटफार्म खाली है। कोई ट्रेन नहीं इस प्लेटफार्म। ये हो गया ना, ये देखिए इंजन है। इंजन से पहला है स्लैब, जनरेटर, तीन हो गया, जनरल चार हो गया, S1 S2 S3। और अब अनाउंसमेंट हो गया है, हमारी ट्रेन आने वाली है। और काफ़ी वेट करने के बाद और पता चला कि दूसरे प्लेटफार्म पे आ रही है। तो हमें दूसरे प्लेटफार्म पे हम लोग पहुंच गए हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ये ट्रेन हमारी आ गई। हम लोग तो ठीक ही थे, थोड़ा सा। हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और काफ़ी बाहर गर्मी थी, ट्रेन में बैठ के काफ़ी राहत मिला और ट्रेन अपनी रफ्तार में चल पड़ी है। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है आसमान देखने में। और यही ट्रेन है जो अपनों को अपनों से मिलाती है। और कितने अपने इससे दूर हो जाते हैं मंजिल की तलाश में। अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन आने वाला है और काफ़ी ट्रेन लेट थी, काफ़ी परेशान हो गए हम लोग ट्रेन में। तो अब हम पहुंच गए हैं। प्लेटफार्म पे काफ़ी रश था और काफ़ी गर्मी यहाँ भी है और हमने ऊबर बुक कर लिया है और देखते हैं कितनी देर में आती है। दिल्ली में भी काफ़ी गर्मी हो रही है और बहुत बुरा हाल है, ट्रैफिक भी वैसे ही है। तो अब हमारी उबर आ गई है, कार में बैठ के काफ़ी राहत मिली है। और अब हम घर को चलते हैं और देखते हैं बच्चों का क्या रिएक्शन होता है।
घर पहुंचते ही बच्चे हमें नीचे ही मिल गए थे। फिर बच्चों को हम लोगों ने चॉकलेट दिलाई और बच्चे काफ़ी खुश हुए हम लोगों को देख के। तो अब काफ़ी थक चुके हैं, तो अब ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। तो तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।